अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे नाजरीनो करीम, मैं मारूफा नवाज अहमद फिर से एक बार हाजिर हूँ एक और अजीम बुजुर्गाने दीन के दरगाह शरीफ की वीडियो लेकर। आज मैं आप सबको हमारे कोलकाता की एक बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती के आस्थान मुबारक की जियारत करवाऊंगी, जिनका सिजराए नसब हमारे इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला से जाकर मिलता है। जी हाँ मेरे प्यारे नाजरीन, इतने बड़े बुजुर्ग हस्ती की मज़ार शरीफ हमारे कोलकाता के तोपसिया इलाके में मौजूद है, जो जिन्नाती मस्जिद से चंद कदमों की दूरी पर है, जोड़ा मज़ार के नाम से मशहूर है। मैं आप लोगों को इनका नाम मुबारक बता दूं, आपका नाम मुबारक हजरत मोहम्मद इफ्तकारुल हक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह है और आपके पास कुल 6 सिलसिला के खिलाफत है, जो कुछ इस तरह से है: मुजीबी, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी, मुजद्दी। आपकी पैदाइश मुबारक राजस्थान के टोंग इलाके में सन 1880 में हुई। आपके दिल में अहले बैत से अजीम मोहब्बत रही। एक बार का वाकिया मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे नाजरीन, जो कि आप कोलकाता के रहने वाले थे और उस जमाने में कोलकाता में हाथ रिक्शा बहुत चला करता था। आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाने के लिए एक रिक्शा पर एक रोज सवार हो गए। रास्ते में आपके दिल में अजीब सी बेचैनी हो गई, आप अजीब से कैफियत से गुजरने लगे, क्योंकि भाई आप अपने दौर के अजीम यक्ता परस्त के कायल बुजुर्ग थे और दिलों का हाल जानने वाले थे। आपने तुरंत अपने रिक्शा को चलाने वाले शख्स से उनका नाम पूछ लिया। आपको रिक्शा वाले ने अपने नाम में सैयद जोड़कर बताया, जिसे सुनकर आप तुरंत रिक्शे से नीचे उतरकर रिक्शा वाले से माफी तलब करने लगे और कहने लगे कि मैं अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखता हूँ और आपके नाम में सैयद है, इसलिए भाई मैं आपके रिक्शा में नहीं बैठ सकता। मेरे प्यारे नाजरीन, अब आगे का माजरा जो है वो चलिए मैं आप लोगों को मज़ार शरीफ के अंदर लेकर चलती हूँ और आगे का माजरा भी सुनाती हूँ, आइए। आगे का माजरा सुने मेरे प्यारे नाजरीन, अब हजरत इफ्तकारुल हक रहमतुल्लाह अलैह रिक्शा वाले से फरमाते हैं कि जितना भी फासला उन्होंने उनके रिक्शे में बैठकर तय किया है, अब उतना फासले तक वो उनके रिक्शे में बैठे और रिक्शा आप खींचेंगे। और आपने किया भी वही, और जब आपने रिक्शे वाले को रिक्शे में बैठा कर उतने फासलों तक की दूरी तय कर ली तो आपने रिक्शे वाले को बाकायदा नजराना भी पेश किया। अब आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे नाजरीन कि किस तरह की मोहब्बत उनके दिल में अहले बैत के लिए थी कि जिन शख्स के नाम में भी सैयद जुड़ा हो वो उन शख्स की ताजीम किया करते थे। आपको तहजीब और तरीके का मिसाल भी माना गया है। नाजरीनो करीम, जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हजरत मोहम्मद इफ्तकारुल हक रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्ग हजरत मौलाना सूफी काजी कयामुद्दीन सिद्दीकी ईरान के शाही घराने से थे, जिन्होंने हक और सच की तलाश में यमन से कूच किया था और हमारे हिंद के दिल्ली वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दर पर तशरीफ लाए और आपको उनसे ही खिलाफत भी हासिल हुई। मेरे प्यारे नाजरीन, हजरत मोहम्मद इफ्तकारुल हक रहमतुल्लाह अलैह को 4 जुबानें आती थी: फारसी, उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी भी। आपको इब्ने अरबी और कमरे हिंद के लकब से नवाजा गया था। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका रज़ाकी कादरी सिलसिला जो है वो हमारे इंडिया उत्तर प्रदेश के सरकार बांसा शरीफ हजरत अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। मैं हजरत अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ गई थी ज़ियारत के इरादे से बांसा शरीफ, और वहाँ जाकर मैंने जाना कि भाई रूहानी मसलतों से परेशान हाल जो मरीज़ होते हैं उनका इलाज भी सरकार बांसा के दुआओं से होता है। अगर आप लोगों को बांसा शरीफ का वीडियो देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दे दूँगी, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। यकीनन अल्लाह के वलियों के दर पर रूहानी सुकून होता है, बेचैन कल्ब को भी राहत मिल जाता है। सरकार इफ्तकारुल हक के पीर व मुर्शिद तालिक हुसैन रहमतुल्लाह अलैह रह चुके हैं, जो कि भाई अपने दौर के खुद एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे। नाजरीनो करीम,
इसके अलावा ये भी बता दूं कि आप सरकार देवा शरीफ हाजी वारिस पाक के हमसर रह चुके हैं। आप दोनों कादरी रज़ाकी सिलसिले के बुजुर्ग गुजरे हैं। हाजी वारिस पाक ने तो आपको अपना भाई कहकर पुकारा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कोलकाता में ऐसे भी हैं जो हाजी वारिस पाक के शहदाई हैं और उनकी मज़ार शरीफ की ज़्यारत की तमन्ना अपने दिलों में रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नाचीज़ हाजी वारिस पाक के मज़ार शरीफ की ज़्यारत कर चुकी है और वहाँ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड भी कर चुकी है। भाई, अगर आप लोग हाजी वारिस पाक के मज़ार शरीफ जाना चाहते हो, कोलकाता से कैसे जाना है, वहाँ कैसे रुकना है, कौन सा होटल सबसे अच्छा होगा, कौन सा रेस्टोरेंट में खाना खाना सबसे अच्छा होगा, मैं वो सारी बातों के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मेरे प्यारे नाजरीन, हज़रत इफ्तकारुल हक रहमतुल्लाह अलैह को एकता परस्ती से इस कदर लगाओ, इस कदर मोहब्बत रही कि आप इंडिया बांग्लादेश में दीन इस्लाम की दावत दिया करते और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला से मोहब्बत करना सिखाते। आपका उर्स मुबारक जमादियुल अव्वाल के 5, 6, 7, 8 तारीख को हर साल बहुत ही अच्छे से कोलकाता शहर में मनाया जाता है। मेरे प्यारे नाजरीन, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि कम उबेश मैं आप लोगों को जितने भी हमारे कोलकाता के वली अल्लाह है, हमारे जितने भी इंडिया के वली अल्लाह है, उन सब के आस्ताने का जो वीडियो है आप लोगों को अपने चैनल के ज़रिए दिखाऊं। लेकिन अभी भी बहुत सारे वली अल्लाह ऐसे भी हैं जिनके मज़ार के बारे में मुझे नहीं मालूम, या कितने के बारे में आपको भी नहीं मालूम होगा। आप लोग मेरे चैनल के ज़रिए, अलग अलग चैनल के ज़रिए मालूम करते होंगे। अगर आप लोगों को कोई ऐसा मज़ार शरीफ है जिनका वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा भाई, जिसमें मैंने आप लोगों को हमारे कोलकाता के तोपसिया के इलाके में स्थित इतने बड़े बुज़ुर्ग हस्ती के मज़ार शरीफ के बारे में जानकारी दी। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में एक छोटा सा बेल आइकन होता है कोने में फ्रेंड्स, उसमें आप लोग टिक कर लें ताकि आप लोग मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाते रहें। भाई, आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगी एक और बेहतरीन और अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और हाँ, नमाज कायम रखें, क्योंकि भाई वक्त के जितने भी बुजुर्ग हस्ती गुजरे हैं सब ने नमाज की सलाह दी है। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।